ने बच्चों का ब्रेन वॉश किया, उन्हें प्रलोभन दे करके उनके हाथों में पत्थर और बंदूक पकड़ाई। बहुत से लोगों की स्मृति में वो तस्वीरें आज भी शायद जीवित होंगी। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है और निश्चित रूप से होती रहेगी। हम ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि किशोर अवस्था के सभी बच्चों के हाथ में कैसे लैपटॉप पहुँचे, कैसे वो एक अच्छे इंसान बन सकें, मॉडर्न इकोसिस्टम की यात्रा को कैसे वो सपोर्ट कर सकें। मैं जानता हूँ कि किशोरावस्था ऐसी उम्र होती है जब अनेक बार बहकावे में आकर बच्चे गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, लेकिन आज पूरी संवेदनशीलता के साथ हम सबको सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी ऊर्जा अपने व्यक्तिगत विकास, अपने सपनों को पूरा करने में लगे, जो अंत में जम्मू कश्मीर और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके। दो ऑब्जर्वेशन होम, 126 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ फैमिलीज, वॉलंटियर्स, यूथ क्लब के मिले जुले नेटवर्क द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी रिसोर्सेस उन्हें उपलब्ध हों तथा जो बच्चे परिस्थितियों की वजह से किसी अपराध में फंस गए हैं उनका पूरी तरह से रिहैबिलिटेशन हो और वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। जुवेनाइल जस्टिस को मैं राष्ट्र की विकास धारा का अभिन्न हिस्सा मानता और मुझे इस बात का विश्वास है कि उनका प्रोटेक्शन सामाजिक न्याय के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे समाज की प्राथमिकता भी हो सकती है। इसलिए कई बार व्यथित मन होता है जब ये देखने को मिलता है कि बहुत से टीनेजर भी आज नशे के षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं। नशा मुक्त अभियान द्वारा जम्मू कश्मीर प्रशासन अनवरत प्रयत्न कर रहा है, लेकिन यह एक ऐसी समस्या है जिसमें सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि समाज के सभी अंगों को भी अपना योगदान देने की आवश्यकता है। कम्युनिटी के बुजुर्ग हों, समाज सेवक हों, चुने हुए जनप्रतिनिधि हों, रिलीजियस लीडर्स हों, यूथ क्लब और स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग, यहाँ उपस्थित अनेक स्टेट